मेरे प्यारे मित्र और मेरे भाई बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पता नहीं आपने कभी घर बनाया या किसी को बनाते हुए देखा। ज़रूर कभी न कभी देखा होगा, जब कोई घर बनाता है या बिल्डिंग बनाता है, स्कूल बनाता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी नींव बहुत गहरी हो। उसका जो फाउंडेशन है उसको बहुत खोदा जाता है और गहराई से उसको खोद करके उसमें फिर ईंटें और तरह तरह के पक्की चीज़ें डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, ताकि जो घर बने वो मजबूत बने। मैं नहीं सोचता हूँ कि कोई भी घर बनाने वाला कभी ऐसी घर की ज़मीन के ऊपर ऐसी कोई ईंटें डालने की कोशिश करेगा, कोई भी नहीं करेगा। वो चाहता है कि उसका घर पक्का हो, और घर पक्का होने के लिए नींव बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नींव ठीक नहीं है तो घर नष्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आंधी तूफान आया या भूकंप आया तो ख़त्म हो जाएगा। बहुत दुख की बात के साथ मुझे बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे कई बेचारे लोग हैं जिन्होंने गरीब सा घर बना करके ज़्यादा नींव नहीं खोदी और ऐसी ऊपरी ऊपर सतह में, ज़मीन के सतह पर घर बनाया, और जब आंधी तूफान या बाढ़ आया तो वो सब बह गए, नष्ट हो गए। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर का वचन एक उपमा दे करके, एक उदाहरण दे करके ये बात बताता है कि हम किस प्रकार का घर, आत्मिक घर बना रहे हैं। और उसी के संदर्भ में मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा समझ सके कि मेरा जो फाउंडेशन है, मेरी जो नेव है, वो क्या सिर्फ ऐसी ऊपर सतह में है, चट्टान पर है, रेत पर है, खाली ऐसी भूमि पर है। तो वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का नेव आप रख रहे हैं। आइए, मैं इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ना मांगता हूँ, ताकि आप उसके संदर्भ में, उसके कॉन्टेक्स्ट में देख सकें। मैं पढ़ूंगा आपके लिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। मत्ती उसका 7वां अध्याय और 21 पद से 27 पद। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इसलिए कि जो कोई मेरी बातें यह सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगीं, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी यह बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। ये बड़ा अच्छा हमारे प्रभु परमेश्वर ने उदाहरण दिया घर के बारे में। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण ट्रुथ इसमें छिपा हुआ है आपके लिए और मेरे लिए। बहुत सिंपल ये है कि अगर हमारी चट्टान, घर की चट्टान, आई एम सॉरी, हमारी घर की जो नेव है, अगर वो चट्टान पर है, पक्की जगह पर है, तो बारिश, आंधी, तूफान, बाढ़, ये सब वो सहन कर लेगा और आराम से रह सकेगा, क्योंकि उसकी जो नेव है वो क्या है, मजबूत है। लेकिन जो अपना घर रेत पर बनाता है, और आप जानते हैं रेत क्या है, थोड़ा सा पानी अगर आ गया उसमें तो वो बह जाएगा, और
अगर नेव बह गई तो घर भी बह जाएगा। यहाँ पर प्रभु परमेश्वर बताते हैं इसका जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल, वो ये है कि जो मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है और उन पर चलता है, तब तो बात बनती है साहब। और वो उस घर, वो बनाने वाले घर के समान है जिसने अपना घर कहाँ बनाया, चट्टान पर बनाया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अंतिम दिनों में लोग आएंगे, उससे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हम तेरे बेटे हैं, बेटियाँ हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर व्यक्ति जो हे प्रभु, ओ लॉर्ड, और जो क्या बोलते हैं ना, जो रिलीजियस टर्मिनोलॉजी, धार्मिकता का जो मुखौटा है वो बोलेंगे, कोशिश करेंगे करने की, जो मुखौटा है, दिखावा है, तो वो नाश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो नेम है वो रेत पर है। और यहीं पर बहुत साफ रीति से लिखा है कि हे प्रभु जो कोई कहता है उनमें से हर एक स्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा साहब। ये तो देखिए बहुत साफ रीति से लिखा है। क्यों? क्योंकि उनका मन कहीं और है और बोली कुछ और है। उनमें से हर एक स्वर के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। अच्छा, इन लोग क्या करेंगे? अपने इन चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे, उसका कारण बताएंगे कि क्यों ऐसा, क्यों भाई, हम कितना, हमने तो तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, भविष्यवाणी की और बहुत से अचंभे के काम किए। लिखा हुआ है 23वें पद में, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, तब तो वो बुद्धिमान है। क्यों बुद्धिमान है साहब? क्योंकि उसने अपने घर की नेम चट्टान बनाई, पक्का स्थान बनाया। और उसी को जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं और उस पर हम चलते हैं, तब तो हम बुद्धिमान होते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं आपको, आपके लिए इसी संदर्भ में एक और पद पढ़ूंगा, पाया जाता है याकूब की पत्री, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसकी 22 पद से। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है यही बात बताने के लिए, सुनिए। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय 22 से आगे, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता, आईना में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। देखिए साहब, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वचन को सुनना एक बात है, वचन पर चलना कोई दूसरी बात है। जी हाँ, और यही बात डिस्टिंक्शन यहाँ पर जो अंतर दिखाया है। अब आप उदाहरण, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पर वचन में, परमेश्वर के वचन में, कि आप सवेरे उठते, हम सवेरे उठते, ठीक है जी, क्या हम ऐसे बिना मुँह धोए अपने आप को दर्पण में बिना देखे हुए कि भाई कहाँ पर कमजोरी है, कहाँ पर दाग है, धब्बा है, साबुन से हम धोते हैं, है कि नहीं? और अगर हम सवेरे उठकर अपने आप को दर्पण में देखें, आईने में देखें, अरे यहाँ पर कालिक लगी है, अरे यहाँ काला है, अरे यहाँ गंदा है मुंह में, तो क्या हम ऐसे ही चले जाएंगे बिना साफ किए? आप सोचेंगे भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम अच्छी तरह से सवेरे अपने आप को दर्पण में देखते हैं, और उसके बाद साबुन या कुछ ऐसी चीज़ें ले करके फिर हम पानी से धोते हैं। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं लोगों के बीच में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित मतलब लोगों से मिलने के लिए।
अगर कोई दाग और धब्बा है तो साहब लोग बोले अरे भाई तुम्हारे चेहरे पर दाग है, तुम सवेरे मुंह नहीं धोए, बड़ा अजीब सा लगेगा, है कि नहीं। तो वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह तो दर्पण में देखता है, दाग वो देखता है, कमजोरी परेशानी देखता है अपने जीवन में, लेकिन कुछ करता नहीं है। वचन सुन लिया, भैया मैंने वचन सुन लिया बस काफ़ी है। नहीं 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 नहीं, वचन सुनना काफ़ी नहीं है, है ना। एक कान से सुन लिया और दूसरे कान से निकाल लिया। अब उदाहरण के रूप में अभी आप वचन सुन रहे हैं, मैं आपके सामने वचन सुना रहा हूँ, कितने वचन आपने सुने होंगे। ये जो मैं करता हूँ जब भी टाइम मिलता है कटारे कम्युनिकेट्स में, तो क्या उसको मैं प्रैक्टिकल रूप में लाता भी हूँ कि नहीं है। यहाँ पर बड़ी अच्छी दो उपमा दी गई है। एक तो पहला, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मूर्ख व्यक्ति वो है जो वचन सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं है, और यहाँ पर याकूब की पत्री में हम देखते हैं कि वो उस व्यक्ति के समान है जो अपना मुंह दर्पण में तो देखता है लेकिन कुछ करता ही नहीं। और परमेश्वर का वचन क्या है? एक दर्पण के समान है, एक आईने के समान है। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा, आईना झूठ नहीं बोलता। हाँ साहब, आईना झूठ नहीं बोलता, जो आप हैं या जो मैं हूँ वही दर्पण दिखाता है कि हम कैसे हैं। परमेश्वर का वचन उस आईने के समान है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमारी कमजोरियों को, मेरी कमजोरियों को, मेरे पापों को, मेरे दाग धब्बों को आत्मिक रीति से दिखाता है और बताता है भाई यहाँ पर कमी है। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करता है, फिर मैं उसको ध्यान देने की कोशिश करता। बुद्धिमान वही मनुष्य है, बुद्धिमान वही मनुष्य है कि नहीं। अब हमारे कई ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, भाषण जबरदस्त देते हैं, खूब अच्छा भाषण देते हैं, लेकिन उस पर अमल करना, अरे साहब वो तो दूसरी बात है जी नहीं। और यही बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि अगर मैं परमेश्वर के वचन को सुनता हूँ या पढ़ता हूँ और उस पर ध्यान नहीं देता तो मैं स्वाभाविक मनुष्य चला जाता है, मूर्ख होगा, वो मनुष्य मूर्ख है। और जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, जब हमारे बीच में थोड़ा सा दुख तकलीफ आएगा या कुछ नकारात्मक चीज़ें जब आती हैं तो हम गिर जाते हैं। आज साहब क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारी नेव कहाँ बनी हुई है? रेत पे बनी हुई है साहब। तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से जब डिफ़िकल्ट टाइम, कठिन समय जब हमारे पास आते हैं तो हम गिर जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाई बहनों, सुनिए सुनिए, परमेश्वर का वचन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और जब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं, पहली बात तो हम सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, आप ज़रूर पढ़ते होंगे, अगर ये शायद संडे को पढ़ते होंगे, मुझे नहीं पता, या रोज़ रोज़ पढ़ते होंगे, लेकिन सिर्फ पढ़ना या वचन को सुनना ही काफ़ी नहीं है। अब कभी भी क्या होता है, आपने ध्यान दिया होगा कि हम वचन सुनते हैं या पढ़ते भी, लेकिन हमारा मन कहीं और है, हम कहीं और अपने दिमाग में घूम रहे हैं, अरे उसका क्या हुआ, अरे मेरे रिजल्ट का क्या होगा, मेरी नौकरी लगी कि नहीं, मेरे इंटरव्यू देने गया था, और वचन सुन रहे हैं साहब, चर्च में बैठे हुए हैं, बाइबल स्टडी में बैठे हुए हैं, घर में आप वचन पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो दिमाग कहीं और जा रहा। वो मूर्ख मनुष्य के समान है, वो खेल रहा है, खेल खेल रहा है, सोच रहा है कि मैं वचन को तो सुन रहा हूँ, मैजिक का काम करेगा। नहीं साहब, मजे का काम नहीं करेगा। जब तक कि वचन मेरे दिल, दिमाग और विवेक में नहीं घुसता, कोई फायदा नहीं। और जब कठिन समय आएगा, आंधी तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, नकारात्मक चीज़ें आएंगी, तो साहब वो घर गिर जाएगा। हाँ, और हम उस स्वाभाविक मनुष्य के समान होंगे जो अपना मुँह आईने में तो देखता है, गंदगी देखता है, दाग धब्बे देखता है, लेकिन वो उसके बारे में कुछ नहीं करता। और जब समाज में वो जाता है कॉलेज, स्कूल या काम करने के लिए, तो लोग हंसेंगे, अरे अरे तुमने मुंह नहीं धोया आज, अरे देखो कालिक लगा हुआ है, बड़ा अजीब लगेगा ना, बड़ा एम्बैरेसिंग, बड़ी शर्मनाक बात होगी।
मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन इस बात पर बहुत एम्फेसिस करता है कि हम सिर्फ वचन को सुनने वाले न बने, लेकिन उस पर चलने वाले भी बने। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, बहुत अच्छा पद है, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और तीसरा पद। क्या लिखा है सुनिए, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को सुनता और पढ़ता है, सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। लिखा क्या, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और सुनता है। अच्छी बात है सुनना, लेकिन उसको मानना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन को मानना भी ज़रूरी है। इसलिए ये इस पर आप ध्यान दीजिए कि हम सिर्फ वचन को पढ़ें नहीं, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, या सुनते हैं। आजकल MP3 ऐसा आ गया है कि आप वचन को उस फॉर्मेट में सुन सकते हैं, यदि है आपके पास ऑडियो में सुनने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहीं पर फुल स्टॉप नहीं होता, एक और है, उसको मानते हैं जो उसमें लिखा है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे तो क्या है, हम अपने फेस को साफ करते हैं। भाई जैसे हम जब दर्पण में अपने मुंह को देखते हैं तो क्या होता है, गंदगी है, तो उसको हम फिर साफ करते हैं, पानी से, साबुन या जो भी चीज़ें हैं हम साफ करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के द्वारा, मानने के द्वारा, न सिर्फ सुनने के द्वारा, न सिर्फ पढ़ने के द्वारा, मानने के द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को साफ करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी। तब हम बुद्धिमान मनुष्य बनेंगे, जी हाँ, मूर्ख नहीं, बुद्धिमान बनेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन जो मैं अभी आपके सामने पढ़ा, फिर से मैं उसको आपके लिए पढ़ देता हूँ, मत्ती और उसका 7वां अध्याय और उसका 21 और 22 पद, क्योंकि लिखा हुआ है जो मुझसे कहेगा हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, और प्रभु हमने ये किया वो किया तेरे नाम से। अरे साहब पॉइंट वो नहीं है कि आपने मेरे नाम से क्या किया, पॉइंट ये है कि क्या आपने परमेश्वर के वचन को माना। मानना, परमेश्वर के वचन को मानना किसी भी बलिदान से उत्तम है, ये बहुत ज़रूरी है। सामुएल की किताब में हम पढ़ते हैं, ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, बलिदान से ज़्यादा परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना बहुत ज़रूरी है, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और इसलिए आप और मैं इस बात पर ध्यान दें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, बिल्कुल ठीक है साहब, पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ हम उस पर क्या करें, ध्यान भी दें, और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान करके उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता उसका पहला अध्याय, आप शायद जानते होंगे, और उसके 6 पद सुनिए, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, बहुत खुशी की बात है साहब, कुकर्म से खुश नहीं होता, और न पापियों के मार में खड़ा होता है ना, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो पुरुष, वो स्त्री जो ये सब बातें नहीं करती, वो धन्य है। और वो व्यक्ति अपना घर कहाँ बना रहा है, चट्टान पर बना रहा है, रेत पर नहीं, क्योंकि रेत पर बनाने वाले दुष्टों की युक्ति पर चलेंगे, पापियों के मार में खड़े होंगे, ठट्टा करने वालों के साथ बैठेंगे, वो रेत पर की दीवार है, रेत का घर है। जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचन के आधार पर अपना घर बनाएंगे। फिर क्या लिखा हुआ दूसरा पद, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है, ध्यान करता रहता है, और वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है
और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे क्या होगा? सफल होगा। ये बुद्धिमान मनुष्य है। जी हाँ, उसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। और वो चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन मानता है। ना सिर्फ वो सुनता है, ना सिर्फ वो पढ़ता है, लेकिन उस पर ध्यान करके उसको मानता है। ये बुद्धिमान है। आप कितने बार परमेश्वर का वचन सुने? क्या आपने उस पर ध्यान लगाया, उसको मानने की कोशिश की जो परमेश्वर का वचन कहता है, उस दाग को निकालने की कोशिश की जो परमेश्वर का वचन कहता है? चौथे पद में लिखा हुआ है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, ये मूर्ख मनुष्य हैं। वे उस भूसी के समान हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। बहुत साफ रीति से परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि हम वचन पर चलने वाले बने। और फिर से मैं आपके लिए वो पढ़ूंगा अंत में कि परमेश्वर का वचन जो बोलते हे प्रभु हे प्रभु, ये मुंह से तो बात करते हैं लेकिन अंदर मन में बिल्कुल परमेश्वर से परे होते हैं। आइए मैं उसको फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती 7:21 से, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से दूर चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर कहाँ बनाया? जी हाँ, चट्टान पर बनाया। वो बुद्धिमान है। और बारिश और बाढ़ें आए, तकलीफ आती हैं, आंधियाँ आई और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेम चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, ये साहब आप सुनिए, और उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और बारिश और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर नष्ट हो गया। प्रश्न यह है मेरे मित्रों कि आपका घर कहाँ बना है? चट्टान पर बना है, किस पर बना है, या रेत पर बना है? आइए अब वो रेत की जो बुनियाद है उसको हटा करके चट्टान की बुनियाद रखें और वो चट्टान परमेश्वर का वचन सुनकर ग्रहण करके उस पर चलना है। आइए हम परमेश्वर के वचन को माने। आमीन।